हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते सभी बड़े होंगे और आगे भी ऐसे बड़े रहना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, पहले तो नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। नया साल आ रहा है 2K23, तो इस साल में आप लोग खूब मस्ती धमाल करो और सब अच्छे से रहो, यही मेरी कामना है। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी से रिलेटेड कुछ ट्रांसफर न्यूज। साथ में ही हम लोग बात करेंगे सर कौन से न्यू क्लब में ज्वाइन हो गए और यहाँ पर माइकल जैकबसन को रिलीज़ किया या नहीं किया, इसके ऊपर भी हम लोग आज बात करने वाले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एफसी ने नया स्ट्राइकर को साइन किया था मैट डर्बी सर, वो अभी चला गया है। मतलब आप लोगों को सबको पता है मैट डर्बी सर अभी चला गया, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा मैट डर्बी सर ने एक नया क्लब में जॉइन कर लिया है, वो है ब्रैडफोर्ड सिटी एफसी। वो मैट डर्बी सर ने अभी जाने के बाद नया नया साइन हुआ है अभी, मतलब उसका पहले का एक क्लब था उसको साइन कर लिया है अभी। और यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से, मतलब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक प्लेयर को साइन करने वाले हैं, लेकिन उसका नाम अभी तक कुछ भी रिवील नहीं हुआ है। मतलब वो प्लेयर आगे भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में खेल चुका है, मतलब ऐसा ही कुछ है। लेकिन अभी तक आप लोगों को मैं नेम नहीं बताऊँगा, क्योंकि नेम मुझे भी पता नहीं, मुझे जब पता चलेगा आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसा लीक निकल रहा है इसलिए आप लोगों को बताना मैंने ठीक समझा। लेकिन आप लोगों को एक बात बता सकता हूँ, ये मासाडो भी हो सकता है, क्योंकि मासाडो हमारे फॉर्मर प्लेयर है जो आगे भी खेल चुके हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में। आए तो अच्छा है, आए तो कैसा होगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और माइकल जैकबसन के साथ भी पार्टवेज हो चुका है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक बहुत ही अच्छा डिफेंडर भी ढूंढ रही है माइकल जैकबसन के रिप्लेसमेंट पर। और अभी एक बड़ी न्यूज़ है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है ना, वो एक इंडियन मतलब डिफेंडर के साथ भी बातचीत कर रही है, मतलब सुमित राठी है उसका नाम। तो वो एथिकेएमबी में खेल रहा था, लेकिन एथिकेएमबी में ज़्यादा गेम टाइम ना मिलने से वो नाखुश है और वो एथिकेएमबी से मूव होना चाहता है, मतलब एथिकेएमबी से निकल जाना चाहता है। लेकिन क्या होता है आगे के समय में आप लोगों को बताता रहूँगा। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय जय हो।